दरख्वास्त है कि मेरी बेटी का इलाज हो जाए, मेरी बेटी नॉर्मल जिंदगी गुजारे। ये नन्ही परी पेशावर के इलाका घंटाघर की परीसा है। ये नन्ही कली बोलने और सुनने की सलाहियत से पैदाइशी तौर पर महरूम है। परीसा के वालिदैन ने इलाज करा के इसकी कुव्वत समाअत और गुआई वापस लौटाने की कोशिश की, लेकिन 15 लाख रुपए इलाज का खर्च उनके बस की बात न थी। सोशल मीडिया के जरिए मिलने वाले पैगाम के जरिए परीसा के वालिद की रसाई वजीर आजम हाउस तक हुई और फिर उसका सरकारी खर्च पर इलाज शुरू हो गया। इसका ऑपरेशन हो जाएगा, इसको मशीन लग जाएगी, इसको तो ये सुन भी सकेगी और बोल भी सकेगी। उन्होंने कहा था 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनका ये इलाज जो है फ्री होगा। नन्ही परीसा के वालदेन का कहना है कि हुकूमत की तब्दीली के साथ परीसा के इलाज का सिलसिला मुनक़ते हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान परीसा के लिए मसीहा बनकर इलाज जारी रखने का हुक्म दे। इमरान खान से यही अपील है कि बस मेरी बच्ची का ऑपरेशन हो जाए, इलाज हो जाए मेरी बच्ची का और मेरी बच्ची भी सुन सके, नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। परीसा की जिंदगी की खुशियां लुटाने के लिए उसके वालिदैन की तमाम उम्मीदें वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वाबस्ता हैं। परीसा के वालिदैन को उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी बेटी और इस तरह के दीगर बच्चों का इलाज सरकारी खर्च पर जारी रखेंगे। कैमरामैन नियाज अली के साथ रहमी सब्जई 92 न्यूज़ पेशावर।